मतलब आइए चलते हैं हेडलाइंस की ओर। प्रेमी पर प्रेमिका के परिवार ने किया हमला, विधायक ने 8 हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपए बांटे। बबीटा थाना अंतर्गत ग्राम इमलिया के रहने वाले नरेंद्र राजपूत पर प्रेमिका के परिवार ने किया जानलेवा हमला। बताया जा रहा है नरेंद्र राजपूत बरैठी के एक लड़की से प्रेम करता है, दोनों शादी करना चाहते हैं, मगर लड़की का परिवार इसके लिए राजी नहीं हो रहा। वह अपने खेत पर था तभी लड़की पक्ष के लोग वहां आए और अकेला पाकर उस पर लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल नरेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है। कैसे लगी है चोटें? कुल्हाड़ी से मारा है, कुल्हाड़ी से और डंडे से मारा है। राजपूत ने मारा है, लड़की वाले के मैटर है, उनको बताया तो वे रोकने के लिए तो माने नहीं, वो गाली देने लगे। वो कह रहे हार में आया, अकेले थे हम लोग, मम्मी पापा दवा डाल रहे थे, 10-12 लौंडे आए, उन्होंने सीधे लठ मारे, कुल्हाड़ी मुड़ में मार दी और बस भाग गए। बस रिपोर्ट डाली, कल फोन भी आया था उनके, तो कह रहे थे जान से भी मार देंगे अब की बार, बोले कभी फोन लगाने को मान रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हारे घर आएंगे, शादी तुम्हें इस कहेंगे ना तुम क्या। कौन है लड़की? उनकी लड़की माँ, उनकी दुआ की लड़की है। क्या नाम है उसका? साक्षी राजपूत। तुम क्या नाम लेते हो? हम नरेंद्र राजपूत। तो क्या आपसे? हाँ तो वो कह रहा है, करते हो तुम उससे? हम बात पहले कहते थे मगर फिर हमने बंद कर दी थी बात कहना, उसके घर वाले हमारे पास एक बार कहते थे तो हमने बंद किया, 2-3 महीने से हमने बंद भी कर दी थी बात। तो क्या वो शादी करना चाहती है तुमसे? वो हमसे शादी करना चाहती है, वो कह रहा है आप शादी नहीं करोगे तो हम मार जाएंगे, उनको फंसवा देंगे, तो ये बात उनको घर वाले। शासन द्वारा चलाए जा रहे संबल योजना के तहत छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी द्वारा 8 हितग्राहियों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भेंट की। खेल ग्राम में विधायक चतुर्वेदी ने पूजा अहलवार, रामबाई गौड़ सहित 8 लोगों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि के प्रमाण पत्र दिए। सियाराम राउत, विधायक प्रतिनिधि छतरपुर। किस तरह की राशि बांटी गई, कितने लोगों को बांटी गई? संबल योजना के तहत ये 2-2 लाख की परिवार सहायता राशि माननीय छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी द्वारा गरीब परिवारों को दी गई है, जिसका लाभ विधानसभा छतरपुर के 8 हितग्राहियों को दी गई है। और विधायक जी का ये मानना है कि जो भी हितग्राही इस योजना के तहत पात्र हैं उन सभी को ये राशि मिलना चाहिए, और ये पूरा प्रयास करते हैं कि सभी गरीब हितग्राहियों को ये राशि पहुंचती है। इसमें पूरी जनपद टीम और रोजगार सहायक सचिव पूरा सहयोग विधायक जी का करते हैं। मुकेश है, कहाँ से आप? आज किस चीज़ का आपको राशि मिली है, कहाँ से मिली है? संबल योजना से मिली। किसने दी है? आलोक चतुर्वेदी विधायक छतरपुर।